फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि बासी रोटी के ऊपर एक व्लॉग बनाओ। बासी रोटी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, जैसे साइंटिस्टों ने बताया है। ओके, अब ये देखिए, बासी रोटी ये अभी का नहीं है, ये कल का है। वो कल एक्चुअली क्या ना, दोपहर की रोटी है, दिखने से लगता है ना ये। और उसको मैं पेपर में रैप करके रख दिया कि उसका जो भी घी वगैरह है जो वो उसको उससे ये कर ले, सक कर ले। ओके, अब ये बासी रोटी ये मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ एक्चुअली, इसके वजह से वो शुगर के लिए अच्छा है। ये दूध में, गर्म दूध में डुबा के भी खा सकते हो, और ऐसे भी आप सब्जी के साथ में, सब्जी के साथ खा रहा हूँ एक्चुअली। ये सब्जी है, ये सब्जी के साथ खा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक खा लिया, अभी एक व्लॉग बनाने के लिए रखा था। ये बासी रोटी बहुत अच्छा है बोला है, और मेरे हिसाब से ये सबसे आसान तरीका है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के लिए सबसे फर्स्ट उनका ये है कि आप टाइम पे ब्रेकफास्ट करो। आप ऐसा नहीं कि एक दिन ब्रेकफास्ट आपका 7 बजे की, एक दिन 2 बजे की या 2 बजे, ऐसा नहीं। उसको टाइम को एक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना सबसे अच्छा, मीन्स उससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता है कोई दवा है शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए। ओके, और ये बासी रोटी बहुत बढ़िया है। ये देखिए बासी रोटी, ये कल की है ये रोटी है ना, ये कल ही बनाया गया था दोपहर को, और ये अभी खा रहा हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बासी रोटी डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया होता है। मैं आर्टिकल भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, मैं अभी आपके सामने एक टुकड़ा लेता हूँ। ये थोड़ा सब्जी ले लिया उसके साथ। ओके, थैंक यू।